Good morning, dear students. Under this chapter today we shall continue overview of Indian history. अभी तक हमने जो sources थे उनका अवलोकन किया और अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के अवलोकन की बड़े संक्षिप्त में. सबसे पहले जो paleolithic age थी, पाषाण काल जिसको हम कहते हैं, lower paleolithic, mesolithic और neolithic में जिसे विभाजित किया जाता है. यद्यपि विश्व में 20 लाख वर्ष से 30,000 वर्ष के मध्य जो है वो माना जाता है इस काल को, लेकिन भारत में 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक जो है वो पाषाण काल माना जाता है. भारत में कश्मीर वैली है, नर्मदा घाटी है, ब्यास घाटी है, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उड़ीसा का मयूरभंज है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक का मालप्रभा और घाटप्रभा के जो क्षेत्र है वहाँ से जो पैलियोलिथिक एज है उस समय के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं. और अगर हम सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो उस समय जो आदि मानव था वो शिकारी था और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता था. आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स जो रखी हैं, आप इनको देख सकते हैं. जो पूरा पाषाण काल था जिसको आप लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं, उसमें जो आदि मानव के औजार थे वो बेडोल थे, बेढंगे थे. जो मध्य पाषाण काल है इसमें उसके औजार और नुकीले होते चले गए और उनकी आकार जो है वो विशेष संकरा किया गया, उसके आकार को छोटा किया गया ताकि उसको बड़ी आसानी से यूज किया जा सके. और जो न्योलिथिक एज है, नवपाषाण काल है, उसमें उसके औजार और भी जो है वो नुकीले होते चले गए, उसे बहुत अच्छी तरह से बनाना प्रारंभ किया था. तो ये जब वो परिवर्तन होते रहे थे पैलियोलिथिक एज में, इससे जो कल्चर है इसमें जो उसका भी जो स्वरूप बदलता चला गया था. यद्यपि अगर हम बात करें तो खानाबदोश था, लेकिन उसने धीरे धीरे घास की झोपड़ियाँ बनाना प्रारंभ किया और न्योलिथिक एज में तो वो पहिए का आविष्कार कर चुका था, और एक स्टेबल लाइफ जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी न्योलिथिक एज में. अगर हम बात करते हैं ब्रॉन्ज एज की, ब्रॉन्ज एज जो कि भारत में 3000 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी के मध्य में मानी जाती हैं और जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वो बहुत महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी. इसमें जो नगरीय सभ्यता है उसका जब आगमन हो चुका था भारत में ब्रॉन्ज एज में, कांस्य युग में. और ये देखिए आपकी जानकारी के लिए किस प्रकार जो ग्रेट बात है वो तत्कालीन समय में निर्मित किया गया था, वो नगरीय सभ्यता का एक अजूबा माना जा सकता है. ये जो सील्स हैं जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो बनाई गई थी, ये जो ग्रेवयार्ड हैं उसके अंदर जो ये बर्तन हैं इसको या किस दिशा में जो है वो डेड बॉडी को रखते थे, बर्तन क्यों रखे गए हैं, इससे धार्मिक जो संस्कार हैं या हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक भावना है वो उत्पन्न हो चुकी थी. तो ब्रॉन्ज एज में ये हम जो विशेष रूप से एक कल्चरल जो इवोल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं. इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग है वो विस्तृत हो चुकी थी, सीवेज सिस्टम है और इसके साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत विकसित हो चुका था, जो सड़कें हैं वो समकोण में एक दूसरे को काटती थी. तो ये सारी व्यवस्था जो है ब्रॉन्ज एज में आप पढ़ चुके हैं, इससे ये साबित होता है कि किस प्रकार जो मानवीय सभ्यता है वो विकास की ओर आगे बढ़ रही थी. वैदिक और लेटर वैदिक की अगर हम बात करें जो कि 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व और लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक जो है वो लेटर वैदिक काल माना जाता है. यद्यपि इस काल के हमारे पास कोई बहुत अधिक पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस काल में आयरन जो है वो भारत में उसका आगमन हो चुका था और गंगा और यमुना का जो द्वाब है उस द्वाब में नए सिरे से जो ग्रामीण सभ्यता है उसको विकसित करके नए नगर स्थापित किए जा चुके थे. हस्तिनापुर है या आप कह सकते हैं इलाहाबाद हैं, ये ऐसे केंद्र थे जो कि तत्कालीन समय में विकसित हो चुके थे
वैदिक और लेटर वैदिक एज में, और वैदिक और लेटर वैदिक एज में धर्म जो है पूरी तरह से स्थापित किया जा चुका था। जो वेद है जिसमें कि चार वेद सम्मिलित किए जाते हैं, उसके साथ साथ आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद्स हैं, ये सब जो है वो वैदिक और लेटर वैदिक काल में अस्तित्व में आ चुके थे। अर्थात ये एक उस समय यद्यपि ओरल फॉर्म में थे, लिखित फॉर्म में नहीं थे, ओरल फॉर्म में थे, और लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि धर्म का अत्यधिक विकास हो चुका था। धर्म के साथ साथ एक सभ्य संस्कृति का भी विकास हो चुका था, जो कि धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों में दक्षिण भारत तक जो है पहुंच रही थी, उत्तर भारत से पश्चिम पूर्व तरफ पहुंच रही थी। ये आर्य सभ्यता के नाम से भी विख्यात हुई, और उस आर्य सभ्यता ने भारत में धीरे धीरे संस्कृत का प्रयोग करना प्रारंभ किया। संस्कृत के साथ साथ जो है यहाँ पर देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र, और मंत्र के साथ साथ प्राकृतिक शक्तियों की, दिव्य शक्तियों की आराधना प्रारंभ किया था। तो ये महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर विकास वैदिक और लेटर वैदिक काल में हुआ था। अगर हम आयरन एज की बात करें या मेगालिथिक कल्चर जिसको आप कहते हैं, आयरन एज 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व और भारत में 800 ईस्वी पूर्व जो है वो लोहे के अवशेष प्राप्त होते हैं यूपी के अंदर। दक्षिण भारत में जो मेगालिथिक कल्चर है जिसको आप देख पा रहे हैं, मेगा का मतलब है विशाल, लिथिक का मतलब है पत्थर, ये ऐसा कल्चर जिसमें कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको इन पत्थरों के अंदर जो है दफनाया जाता था, और इसके ऊपर से जो है विशाल शिला लगाई जाती थी। ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, और कर्नाटक के जो विशेष करके ब्रह्मगिरी नामक स्थान है, मास्की है, पिकली हल है, यहाँ पर जो है इस प्रकार के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी आयरन कल्चर के जो समकालीन था, और यहाँ पर भी कई प्रकार के जो रिपब्लिकन्स हैं वो उत्तर भारत में स्थापित किए जा चुके थे। जो विमेन की पोजिशन है, यज्ञ है, और यज्ञ के साथ साथ बलि प्रथा है, ये जब तब स्थापित हो चुकी थी आयरन एज के दौरान। और ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी है उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये परिवर्तन जो है वो लोह एज में यहाँ पर प्रारंभ हो चुके थे। नेक्स्ट है महाजनपद का जो युग है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का जो उल्लेख किया गया है, और इन महाजनपदों में से मगध एक था, जिसकी जो है वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापना हुई थी, विकास हुआ था। ये 16 महाजनपद हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अलग अलग स्थानों पर है, गंधार है, कंबोज है, कुरु है, श्रुसेन है, मत्स्य है, अवंती है, इनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, आप सब पढ़ चुके हैं। यहाँ आपको उल्लेखित करने का मकसद ये है कि महाजनपद के समय में किस प्रकार जो है छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, अर्थात जो आर्य सभ्यता विकसित हुई थी, आर्य सभ्यता ने लोहे का प्रयोग करके धीरे धीरे जो है वो राज्यों को स्थापित करना प्रारंभ किया था। और वो छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक पद्धति, विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है उसका विकास होना प्रारंभ हुआ था। बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में अगर हम बात करें तो बहुत सा इम्पैक्ट जो है भारतीय संस्कृति पर पड़ा। बुद्धिज्म और जैनिज्म यद्यपि हम कहें तो एक प्रकार का रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व बुद्धिज्म और जैनिज्म अस्तित्व में आए थे, उसने विशेष करके स्थापत्य कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, और इसके साथ साथ जो कला का क्षेत्र था उस कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने ब्राह्मण की जो शिक्षाएं थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, या ब्राह्मण के समय में जो एक प्रकार की जटिलताएं थी, उन जटिलताओं को समाप्त करके शिक्षाओं को सरल बनाना प्रारंभ किया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रभाव बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में रहा। इतना ही नहीं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में जो ब्राह्मणवाद में जटिलताएं थी, या ब्राह्मणवाद में जो समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी, उन समस्याओं को भी दूर करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया, और समय रहते उसमें भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए थे। अगर मौर्य काल की हम बात करें तो मौर्य काल भारतीय इतिहास का एक महान काल माना जाता है, और कल्चरल चेंजेस के साथ साथ यहाँ पर जो है वो कई प्रकार के परिवर्तन भी हुए थे। पैट्रियकल सोसाइटी स्थापित हुई, और महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हो चुका था, महिलाओं की स्थिति में अवनति होनी प्रारंभ हुई थी, और कई प्रकार की जो वैवाहिक
जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, उसका उल्लेख शुरू हो चुका था और उनको जो है अपनाना प्रारंभ किया गया था। यद्यपि कई प्रकार के एजुकेशनल सेंटर हैं जिसमें कि तक्षशिला का नाम लिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो नालंदा है, उनको स्थापित किया गया था। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ जो धर्म की और संस्कृति की प्रगति हुई थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। ट्रेड है और कॉमर्स है, वो भी उसका भी विकास हुआ। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो विभिन्न डायलेक्ट्स हैं, ब्रह्मी का इस्तेमाल किया, खरोष्टी का इस्तेमाल किया, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, अरामैक भाषा का इस्तेमाल किया, तो ये हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व जो है प्रगति हुई थी, अभूतपूर्व विकास हुआ था। अशोक ने अगर समय जगह जगह पर जो है वो शिलालेख स्थापित किए थे, उससे ये साबित किया जा सकता है कि तत्कालीन जो लोग थे वो शिक्षित थे, ताकि तभी सार्वजनिक स्थान पर जो है वो उन शिलालेखों को पढ़ा जाता होगा, उन अभिलेखों को पढ़ा जाता होगा। और एक विशाल साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत तक जो है अशोक ने स्वर्णगिरी तक जो है अपने राज्य को स्थापित किया था, इससे हम ये कह सकते हैं कि भारत का राज्य बहुत विस्तृत हो चुका था। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व के जो क्षेत्र हैं उनको एकीकृत किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव सांस्कृतिक के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, धार्मिक के क्षेत्र में पड़ा है। अशोक का जो धर्म है हम ये कह सकते हैं जिसमें कि सभी अच्छी बातों को समावेशित किया गया था, वो भी एक प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव माना जा सकता है। अगर पोस्ट मौर्यन की हम बात करें तो यहाँ पर शुंग है, सातवाहन है, कुषाण है, ऐसे वंश थे जिन्होंने उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में जो है अपनी सत्ता स्थापित की थी। और साथ में कई प्रकार के जो कल्चरल परिवर्तन हैं वो प्रारंभ हुए थे, कई प्रकार के मैट्रिनिलियल सोसाइटीज जो है वो जैसे सात महान है उन्होंने स्थापित की थी, मात्र तो दक्षिण उत्तर भारत में कुषाण ने गांधार कला को संरक्षित किया। और ये ऐसे चेंजेस थे जो कि भारतीय इतिहास में होते रहे। और भारत की संस्कृति, जैसे कि पहले हमने कहा कि उसमें एब्जॉर्ब करने की, समाहित करने की शक्ति थी, इसके कारण ही भारतीय संस्कृति जो वो विदेशों से आने वाली संस्कृति को अपने अंदर समाहित की, और बाद में जो विदेशी आए थे वो भारतीय होकर के ही रह गए, अर्थात भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए वो भी बाध्य हुए। संगमेश और जो चोल एम्पायर तक हम बात करते हैं, यद्यपि संगमेश दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांडे के समय में जो तीन संगम हुए थे उसके पश्चात लोकप्रिय बनी, लेकिन बाद में चोल साम्राज्य जो कि 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी तक जिन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण जो है वो प्रयास किया था और द्रविड़ जो स्थापत्य शैली है उसका विकास किया। इसके अतिरिक्त जो मैट्रिनिलियल सोसाइटी है, कर व्यवस्था है, यहाँ पर जो लोगों में तमिल भाषा के प्रति प्रेम है, तमिल साहित्य का विकास हुआ, तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो इस समय होते रहे जिसने कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को समृद्ध किया था। गुप्त काल की अगर बात करते हैं तो चौथी शताब्दी से सातवीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम भी कहा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अत्यधिक विकास हुआ, मेहरौली लौह स्तंभ हमारे समक्ष उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण पड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो आर्यभट्ट है, ब्रह्मीर है, ये तत्कालीन विद्वान थे जिन्होंने कि ज्योतिष शास्त्र को या मौसम विज्ञान को और इसके साथ साथ जो भूगोल है उसको प्रभावित किया था, और साथ में कई पुस्तकों का जो है लेखन भी किया था। इससे ये साबित होता है कि गुप्त काल में जो स्थापत्य कला है, चाहे वो नागर शैली के आरंभिक प्रमाण ही सही, भीतरी गांव है, भूमरा है, ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थल थे जहाँ से कि गुप्तकालीन जो मंदिर हैं स्थापत्य कला की दृष्टि से उन्नत मंदिर स्थापित किए गए थे और वो आज भी उसके अवशेष हमारे पास विद्यमान है। गुप्त काल के समय में यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि जो विमेन की पोजिशन है उसमें डिग्रेडेशन हुआ था, लेकिन साथ में गुप्तकालीन जो संस्कृति है उसका विदेशों में भी प्रचार प्रसार प्रारंभ हो चुका था। और यहाँ पर गुप्तकाल के समय में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जो फायान है वो भारत में आकर के जो यहाँ पर बौद्ध धर्म था
उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करके चीन ले जा करके ले गया था। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं सांस्कृतिक दृष्टि से। भारत के विषय में फाइयान ने जो लिखा वो चीन में जाकर के उसके व्याख्यान किया, उसका जो है विवरण वहाँ पर भी प्रस्तुत किया। उसके पश्चात जो वर्धन वंश है उत्तर भारत में, जिसे कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम महान वंश भी मानते हैं, सातवीं आठवीं शताब्दी में जो है उन्होंने शासन किया। वर्धन के समय में किस प्रकार जो ह्यूनसांग भारत आया था और ह्यूनसांग ने जो प्रयाग सभा है उसका प्रतिनिधित्व तो करने के साथ साथ उसके अध्यक्ष भी उसे जो नियुक्त किया गया था। इससे ये साबित होता है कि हर्षवर्धन ने भी अशोक की तरह ही जो विभिन्न धर्म हैं उनके प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई थी। साथ में जो तत्कालीन बौद्ध केंद्र थे उन बौद्ध केंद्रों को भी संरक्षण उसने प्रदान किया था। हर्षवर्धन ने कनौज से शासन प्रारंभ किया और कनौज जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उसने विकसित किया। कई प्रकार की जो सांस्कृतिक संरक्षण है वो हर्षवर्धन ने प्रदान किया, विद्वानों को संरक्षित किया, साहित्य को संरक्षित किया। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है यहाँ पर होते रहे और इससे भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास और समृद्ध होता चला गया था। अर्ली मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें 800 से 1200 ईस्वी के मध्य में, जिसमें कि कई राजपूत जो राज्य थे वो अस्तित्व में आ चुके थे, चाहे वो चौहान वंश है या परमार वंश है या आप कह सकते हैं जो और सोलंकी वंश है, ये वंश थे जो राजपूतों के वो स्थापित हो चुके थे और उन्होंने राजपूताना के साथ साथ उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जो है वो अपने राज्य स्थापित किए थे। वहाँ पर एक राजपूत संस्कृति का अलग विकास हुआ था, एक अलग राजपूत शैली का विकास हुआ और हम कह सकते हैं एक पेंटिंग के क्षेत्र में भी अलग राजपूत शैली का विकास हुआ, जिसने कि भारतीय कला को और भारतीय साहित्य को और भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया था। राजपूत के काल में ही जौहर जैसी प्रथा है उसका विकास हुआ और सती प्रथा है इसको और ग्लोरीफाई किया गया। तो ये ऐसी संस्कृति विकसित हुई जो कि संपूर्ण भारत में जिसने जो है वो अपना प्रभाव स्थापित किया था। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसमें दिल्ली सल्तनत के लगभग 5 महत्वपूर्ण वंश थे। वहाँ पर एक नई संस्कृति भारत में विकसित हो चुकी थी, रॉयल जिसको हम कल्चर कह सकते हैं, उस शाही महलों में जो इस्लामिक कल्चर है वो विकसित हुआ था और धीरे धीरे उसका प्रभाव भारत में के विभिन्न भागों में भी पड़ना प्रारंभ हुआ। जो इस्लामिक प्रजा थी उन्होंने जो वो अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए और भी प्रयास किए। भारतीय जो हिंदू संस्कृति थी उनका कभी आपस में टकराव नहीं हुआ, बल्कि हिंदू और इस्लामिक संस्कृति का जोड़ जो मिश्रण है वहाँ यहाँ पर स्थापित हुआ था और उस मिश्रण के कारण ही एक परस्पर सांप्रदायिक सौहार्द की भावना भारतीय संस्कृति में विकसित हुई थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुए, धर्म के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुए और कई मंदिरों को भी यद्यपि नष्ट किया गया, लेकिन कभी भी जो जनता है उन्होंने सांप्रदायिक वैमनस्यता की भावना को बहुत लंबे समय तक नहीं पाल के रखा। अर्थात ये एक ऐसी भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की गई। यद्यपि अधिकांश जनता प्रजा हिंदू थी, लेकिन उन्होंने जो वो इस्लामिक शासक को भी स्वीकृत किया था। उसके बाद मुगल पीरियड है 1526 से 1857 ईस्वी तक, इस काल में भी एक समृद्ध जो संस्कृति है, समृद्ध प्रशासन है, उसका विकास हुआ था। अकबर जैसे शासक ने जिन्होंने सर्वधर्म संभव जो है वो की परिपाटी को स्थापित करने का प्रयास किया, जो जजिया जैसे हार्श कर थे, पिलग्रिमेज टैक्स थे उनको समाप्त करने का प्रयास किया, बाल प्रथा सती प्रथा को रोकने के लिए भी कदम उठाए थे और दीन इलाही को लागू करने का प्रयास किया था, वो शासकों द्वारा उठाए गए ऐसे कदम थे जो कि भारतीय संस्कृति और भारतीय जो परंपराओं हैं उन परंपराओं को चिर रूप से मूल रूप से पुनः स्थापित करने के स्वप्न देखते थे। इसके साथ साथ शाहजहां
और जैसे शासक भी यहाँ पर रहे जिन्होंने स्थापत्य की दृष्टि से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया, और यहाँ पर जहांगीर जैसे शासक भी रहे जिन्होंने चित्रकला के माध्यम से भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तो ये विभिन्न समय पर जो मुगल शासक थे उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अकबर ने जब वो एक अलग अनुवाद विभाग स्थापित किया था, जितने भी ग्रंथ तुर्की भाषा में थे या हिंदी भाषा में थे उनको फारसी में अनुवादित करने के लिए जो प्रयास किया था, वेदों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया, इसके साथ साथ रामायण है महाभारत है उनको भी जो फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। तो ये हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो महत्वपूर्ण संस्कृति की विशेषताएं थी उन विशेषताओं को और भी जीवित करने का प्रयास किया था। मॉडर्न पीरियड अगर हम बात करें, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की बात अगर हम करें 1857 से 1947 तक, ब्रिटिशर्स ने यद्यपि सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं किया और उन्होंने अपनी संस्कृति को जो है वो अलग थलग रखा, भारतीय संस्कृति को मिश्रित करने का अत्यधिक प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी जो यूरोपियन लिटरेचर है और यूरोपियन लिटरेचर के साथ साथ जो वे ऑफ लाइफ इन यूरोप है उससे कई भारतीय जो विशेष करके जो पढ़ा लिखा तबका था या जो शिक्षित वर्ग था वो प्रभावित अवश्य हुआ। उन्होंने लिटरेचर को पढ़ा यूरोप के, और उन लिटरेचर में जो दर्शन था, जो फिलॉसफी थी, जो डेमोक्रेसी के बीज थे, और हम ये कह सकते हैं जो वहाँ पर प्रशासनिक उदार प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके विषय में पढ़ करके ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो है वो यहाँ पर आंदोलन करने प्रारंभ किए थे। कई जो है उस स्थानों पर कॉलोनियल जो आर्किटेक्चर है उसके प्रमाण आज भी प्राप्त होते हैं, चाहे वो शिमला रहा हो, कलकत्ता रहा हो, बॉम्बे रहा हो, दिल्ली रहा हो, यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला के अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। अर्थात उन्होंने भी यहाँ पर चाहे चर्च को स्थापित करने की बात रही हो, चाहे एडविट लुटियन का जो है दिल्ली स्थापित रही हो, या विक्टर टर्मिनस रही हो, या पर शिमला में जो है वो तत्कालीन ब्रिटिश अवशेष जो प्राप्त होते हैं स्थापत्य कला के वो रहे हो, या रेलवे रहा हो उसको विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उससे जो रेलवे स्थापित हुआ उससे कल्चरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत शीघ्रता से पहुंचा, इससे और भी कल्चरल समृद्ध होता चला गया था। तो ये संक्षिप्त अवलोकन मैंने आपको यहाँ पर किया। आपने जो है वो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जो इतिहास है उसका अवलोकन करना यद्यपि एक लेक्चर के अंदर बहुत इम्पॉसिबल है, आप यहाँ संक्षिप्त में इस बात का उल्लेख अवश्य करें कि प्राचीन काल से ही और आधुनिक काल तक भारतीय संस्कृति समृद्ध थी, समृद्ध है और समृद्ध रहेगी। उसके अंदर कई संस्कृतियों को आत्मसात करने के गुण रहे हैं, और अपनी संस्कृति को समय के अनुसार परिवर्तित करने और समय के अनुसार उसमें चेंजेस करने के जो है वो गुण भारतीय संस्कृति में विद्यमान रहे, इसलिए आज भी भारतीय संस्कृति विश्व की समृद्ध संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। असाइनमेंट्स आपके लिए हैं कि आपने जो इंडियन हिस्ट्री है उसका 200 शब्दों में अवलोकन करना है, डिस्क्राइब ब्रीफली एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन अबाउट 200 वर्ड्स। सो हैव ए गुड टाइम एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।